और अब बात दिल्ली की राजनीति की। केजरीवाल अवसर विवाद में अब केंद्र भी कूद पड़ा है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट कार्ड खेलते हुए केजरीवाल पर हमला किया है और कहा है कि कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन नॉर्थ ईस्ट की काबिल अफसर हैं, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। रिजिजू ने कहा है कि केजरीवाल अराजकता फैला रहे हैं और क्या कुछ कहा है किरण रिजिजू ने, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव जंग का जो झगड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। खासतौर से शकुंतला गैमलिन का जो मामला है सर, एक तरह से उनको एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी बनाने से इनकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, कोई ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी बन सकता है कि नहीं बन सकता है उसका करियर और उसका ट्रैक रिकॉर्ड तय करेगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो हमारा पूर्वोत्तर के जो एक बहुत अच्छी लेडी आईएएस ऑफिसर है शकुंतला गैमलिन का खिलाफ जो बदनाम करने का कोशिश किया और जो उन्होंने धमकी दे करके कि आप वो चार्ज नहीं ले सकते हैं, ये बहुत गलत मैसेज संदेश पूर्वोत्तर में गया है और वैसे भी ये सही तरीका नहीं होता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार ये कहता है कि हम जो चुने हुए सरकार है, चुने हुए मतलब आप, ये नहीं होता कि आप सब कुछ मर्जी से कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि चुने हुए तो दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी चुने हुए हैं, हम लोग भी चुन के आए हैं, तो इसका मतलब क्या आप संविधान को आप गटर में फेंक करके सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे क्या? इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। और जो तख्ता पलट का बात किया है, तो सोच समझ करके ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। दिल्ली सरकार को तख्ता पलट का मतलब क्या है, समझ में आते हैं क्या? इस तरह का जो समाज में अराजकता फैलाने के लिए शब्द इस्तेमाल करना और ड्रामा करना, ये ठीक नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार जो है वो काम पे ध्यान दे और इस तरह का जो ड्रामाबाजी पे ज़्यादा करने का कोशिश ना करें। केजरीवाल उनके मंत्री कह रहे हैं कि ये गृह मंत्रालय और मोदी सरकार के शरीर पर हो रहा है। हमारा तो कोई रोल है ही नहीं, हम लोग सिर्फ ऑफिसर को भेजते हैं, ऑफिसर का कार्डर कंट्रोलिंग हमारा गृह मंत्रालय करते ज़रूर है, लेकिन यहाँ किस में कौन किस पद में कौन ऑफिसर रहेंगे ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर तय करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को कंसल्ट करते हैं। वो संविधान में लिखा हुआ है, वो संविधान के बाहर जा कर के हमको कोई ड्रामा करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री की सहमति की कहीं कमी देख रहे हैं आप? कमी नहीं है, वो संविधान में जो प्रक्रिया है वही मेंटेन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। किरण रिजिजू जी का कहना है कि खासतौर से केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनके मंत्री जो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, ये एक बहुत आपत्तिजनक उन्होंने इसको बताया है। कैमरामैन राजीव के साथ अजीत नेगी, दिल्ली आज तक।